Hey, hello everyone, and welcome to ArcGenesis. Last year I started 200 second GK. So this time I just modified this playlist and we are working for 500 GK series क्योंकि कुछ टाइम पीरियड चाहिए होता है. द मेन एम ऑफ दिस सीरीज शुड बी कि कम से कम टाइम पीरियड के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए जाए. एज आपने नाटक एग्जाम देखा था सेकंड वाला, दे हैव आस्क्ड सम रैंडम टर्मिनोलॉजीज. अगर आप उसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे आपको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं. बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन देते हैं. आज का डिफरेंट टॉपिक है, एंटी स्टैटिक टाइल्स आर यूजली स्पेसिफाइड इन एरिया हैविंग. तो आपको बताना है कि एंटी स्टैटिक जो टाइल्स होती हैं कहाँ पर यूज़ की जाती हैं. केमिकल स्लिपेज, हाई कम डैम्पनेस, सेवरल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मोमेंट ऑफ द हैवी मशीनरी. केमिकल सीपेज का मतलब होता है जहाँ पर केमिकल निकलता है या सीपेज कर रहा है, कहीं से बह रहा है. हाई डैम्पनेस का मतलब होता है ज़्यादा सीलन ज़्यादा आती है किसी एरिया में. सेवरल इलेक्ट्रिकल को इक्विपमेंट्स का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखे गए हैं, या मूवमेंट ऑफ हैवी मशीनरीज, बहुत सारी हैवी मशीनरीज को मूवमेंट करने के लिए आपको ऐसी टाइल्स चाहिए होती हैं. तो इसका पहले पढ़ लेते हैं कि एंटी स्टैटिक टाइल्स क्या होती हैं. एंटी स्टैटिक टाइल्स, फ्लो टाइल्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर यूज विद इन सेंसिटिव इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. मतलब क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप किसी को टच करते हैं तो हल्का सा जर्क लगता है, करंट लगता है. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वहाँ पर एक करंट पैदा कर देती है अगर वो बार बार किसी चीज़ पर अगर वो टच होता है. जैसे आपने देखा हो बैलून के ऊपर अगर आप सर पर मूव करते हैं तो उसमें करंट आ जाता है. ऐसे ही तो नॉर्मली क्या होता है, इतना ज़्यादा करंट नहीं आता है चलने के ऊपर भी, लेकिन किसी को प्रॉब्लम है, लाइक उसका हार्ट वीक है या फिर कुछ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, तो उनको करंट ऐसा लग सकता है. तो उस करंट को रोकने के लिए एंटी स्टैटिक टाइल, फ्लो टाइल यूज़ की जाती हैं. तो उसका तरीका कुछ क्या होता है, नॉर्मली सिंपल टाइल होती हैं, इसका एक कनेक्शन डाल दिया जाता है, एक वायरिंग की जाती है, और इस वायरिंग का जो करंट होता है अर्थिंग कर दिया जाता है. तो आप जब इसके ऊपर चल के आएंगे, चलने के बाद जो करंट डेवलप होगा वो एज इट इज करंट जो डेवलप हुआ है वो अर्थ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो आप किसी को टच करेंगे तो कुछ करंट नहीं लगेगा. ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ और भी देख लेते हैं. आपने एंटी स्किड टाइल का नाम सुना होगा. ऐसी टाइलें होती हैं जहाँ पर आप स्किड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे रफ सरफेस एरिया होता है. तो कहाँ पर होगा, वॉशरूम में यूज़ किया जाता है, बाथरूम में, किचन में, इन सब जगह पर यूज़ किया जाता है. कुछ टाइल और भी होती हैं, जैसे टेक्टाइल पेविंग का नाम सुना होगा आपने. ये टेक्टाइल पेविंग कैसी होती हैं, उनको हम बोलते हैं, इनको आप देख लेना, ऐसी टाइल्स होती हैं जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या फिर उनको देखने में दिक्कत होती है उनके लिए बनाई जाती हैं. सो दैट कि अगर मान लीजिए ये पर्सन है, ये ब्लाइंड है, अगर वो ये सब नहीं देंगे तो ये पर्सन, उसको पता ही नहीं चलेगा कि फुटपाथ खत्म हो गया है, रोड पर है. तो उसको एक वार्निंग देने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या हुआ, सेवरल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप आंसर बता दिया करो, तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया, इसमें आंसर भी हम लोग लिख कर दे देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोजेक्ट हैबिटेट 67 मॉन्ट्रियल कैनेडा डिजाइन बाई रिनाउंड आर्किटेक्ट मोहसिन शैफदी इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो एक हैबिटेट 67 एक प्रोजेक्ट है जो कि मोहसिन शैफदी ने डिजाइन किया था, वो किस तरह का एग्जाम्पल है. प्री फेब्रिकेटेड हाउसिंग है, लो राइज डिटैच डवेलिंग है, हाई राइज अपार्टमेंट है, ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर है. ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, मैंने कई बार डिस्कस किया है. ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का मतलब ऐसा होता है दैट काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर जो इन्वायरमेंट की हारमनी में हो. ऐसा नहीं है कि जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइनों कर में प्ले नहीं करता है. इन्वायरमेंट जो नेचर जो होता है, इट ऑलवेज प्लेज विद कर्वीलिनियर लाइंस. तो ऐसी ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर भी होता है. ठीक है, प्री फैब्रिकेटिंग हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ टूल्स जो होते हैं, कुछ प्री फैब आपने पहले से बना दिया, उसको जगह प्लेस करते हो, दैट्स कॉल्ड द प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग. लो राइज डिटैच डवेलिंग का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग है ज़्यादा हाइट पर नहीं है और डिटैच्ड है, मतलब एक यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, ज़्यादा हाइट इसकी नहीं देखने को मिलेगी, बट दे आर डिटैच्ड, तो इसको बोलेंगे लो राइज डिटैच डवेलिंग. हाई राइज अपार्टमेंट तो आप जानते हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज में देखेंगे, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, काफ़ी 20-30 माले की बिल्डिंग होती है, दैट्स कॉल्ड द हाई राइज अपार्टमेंट. ठीक है, तो ये कौन सा है, तो पहला बिल्डिंग देख लीजिए, ये जो मोहसिन शैफदी है, हैबिटेट 67. थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा ना, ये कन्फ्यूजन नहीं कि 67 का मतलब क्या है. 1967 के अंदर एक फेयर लगा था एक्सपो मॉन्ट्रायल में, कनाडा में, तो वहाँ पर उनकी एंट्री गई थी मोहसिन शैफदी के लिए, तो उसी के नाम से हैबिटेट 67 पड़ गया है. ठीक है, तो ये ऐसा देखने में लग रहा है, तो प्री फेब्रिकेटेड का ये एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, इट इज प्री फेब्रिकेटेड हाउसिंग. तो हैबिटेट 67 क्या है, कंप्राइजेस 356 आइडेंटिकल प्री फेब्रिकेटेड कॉन्क्रीट फॉर्म्स अरेंज इन वेरियस कॉम्बिनेशन रीचिंग अप टू 12 स्टोरीज इन हाइट. ठीक है, इतना काफी है जानने के लिए, बाकी टाइम कम है, 500 सेकेंड्स हैं. तो फिर आता है कि डिजाइन ऑफ ए जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट रनकपुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो जो जैन टेम्पल है रनकपुर पे, वो किस तरह का एग्जाम्पल है,
तो पहले तो उसकी फोटो देख लेते हैं। तो फोटो है ये, तो आप समझ सकते हैं कैसा है, ये आपको पहचान में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल यूनिलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल सॉरी, और बायलेट्रिकल सिमेट्री या 3D सिमेट्री। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब है कि जो ये है ये सिमेट्रिकल चीज़ें हैं। जैसे आप हैं, अगर आपको सेंटर से हम लोग एक लाइन खींचे तो आप सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए दो आँखें, यहाँ पर है ही नहीं, तो एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। तो नेचर के अंदर नॉर्मली सिमेट्रिकल ही चीज़ें मिलती हैं। तो एसिमेट्रिकल, पहले तो आपको ये देख के लग गया होगा कैसा है, तो ये सिमेट्रिक, एसिमेट्री तो नहीं है ना, यहाँ पर सिमेट्री है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, तो ये 3D सिमेट्री है या बायलेटरल सिमेट्री है या फिर यूनिलेटरल सिमेट्री है। इन तीनों में सिमेट्री का, देखो यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, मैंने एक ए वर्ड बनाया है, तो इसका मतलब होता है कि एक लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल है, एक लाइन है ये भी इधर सिमिलर है ये भी, तो उसको बोला जाएगा यूनिलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये ए को ही हम लेते हैं लेकिन उसको हम 3D बना देते हैं एक तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, एक प्लेन जो होगा प्लेन के अराउंड सिमेट्रिकल है ये। तो बायलेटरल का मतलब होता है प्लेन के अराउंड। तो यहाँ पर एक लाइन नहीं, पहले लाइन थी, अब ये 3D में आ गया है, तो इसको बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। और 3D का मतलब 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डायगनली जा रहा है तो दैट्स कॉल्ड 3D सिमेट्री। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, बायलेटरल सिमेट्री। एक चीज़ और भी आती है, अगर हम देखें तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब एक लाइन के अलोंग है, मतलब प्लेन के अलोंग है यहाँ पर, क्योंकि जो 3D ऑब्जेक्ट होगा ना, बटरफ्लाई है तो बिल्कुल सिमिलर होगी अपोजिट, तो प्लेन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये होता है रेडियल सिमेट्री और एक होता है स्फेरिकल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आप समझ सकते हैं रेडियल रिदम, वही चीज़ निकल कर आती है, अगर कुछ एक्सिस बनते हैं सेंटर से रेडिएट करते हैं। और स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या है, कि एक स्फेरिकल में बहुत सारे इनफाइनाइट एक्सिस हो सकते हैं जो किसी भी एंगल पर जाके आपको सिमेट्री दे देंगे। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, क्या नहीं लगता रेडियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री सेम है? नहीं, अलग अलग है। देखो इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको देखो, बक्स को हटा दो, आप इस डिस्क पर फोकस करो, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये डिस्क ऐसी रखी हुई है, आपको नहीं पता चलता है, और मैं इस डिस्क को जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर देता हूँ, थोड़ी सी घुमा देता हूँ, आपको पता चलेगा क्या कुछ कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? तो आपका जवाब देंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। किसके, क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। इस जो एक्स और वाई एक्सिस है ये सिमेट्रिकल है, कितना भी घुमा कर रखोगे सेम लगेगा। हाँ, अगर मैं इसको जेड एक्सिस या वाई एक्स एक्सिस के वाई या एक्स एक्सिस के अलोंग घुमा दूँ, इसको मैं इधर की तरफ कर दूँ, तो जो स्फेरिकल है कुछ ऐसी दिखाई देगी, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं सर इसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है रेडियल सिमेट्री का। और स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या है, आपको मैं कितना भी घुमाते रहूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप बता ही नहीं सकते कि ये सर आपने घुमाया है चेंज किया है। तो ये हो गया स्फेरिकल सिमेट्री। ये मैं पहली बार इस तरह से काम कर रहा हूँ एक्चुअली, बहुत ही जल्दी जल्दी, आई हैव नो आइडिया कि कैसा रहेगा, आप बताना इसको, ये वीडियो को कंटिन्यू करना है नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली कॉर्बूज़िए पुट फॉर हिज थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन इन अ बुक टाइटल, एक थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन दिया था जिसके अंदर बताया था कि जो एक ह्यूमन बींग होता है कुछ भी प्रोपोर्शन कैसे काम करते हैं। चार एग्जाम्पल हैं, द डायमेंशंस, द मॉड्यूलर, द गोल्डन सेक्शन टुवर्ड द न्यू आर्किटेक्चर। कौन सा लग रहा है आपको? अगर आपको ऑप्शन कम लग रहे हैं तो मैं और डाल देता हूँ, तो द सिटी ऑफ टुमारो, द रेडियंट सिटी, ठीक है। इन छः के छः बुक को याद कर लेना, ली कॉर्बूज़िए की फेवरेट बुक्स हैं, मेन बुक्स हैं, तो छः के छः याद कर लो। इसका सही ऑप्शन क्या है, द मॉड्यूलर, और ये आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, जो ह्यूमन होता है उसका प्रोपोर्शंस, गोल्डन रेशो, ये प्रोपोर्शंस के थ्रू बताया गया है, और आपको ये वाली इमेज मिल जाएगी यहाँ पर भी देखने के लिए। ये कौन सा है, ये है मेरा कॉलेज, दैट इज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, CCA, ठीक है। तो आप मुझे बताना कैसा है, कितनी देर हमें लगी है, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा है तो, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यूज़ या कंटेंट या कमेंट्स आएंगे तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।